देपालपुर तहसील में 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज कटकोदा और 1 पॉजिटिव मरीज अटाहेड़ा में निकला है। दोनों एरियो को कंटेनमेंट एरिया बना दिया गया है। प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है। देपालपुर काठकोदा में कुल 8 कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसमें से एक बुजुर्ग की पहले ही मौत हो चुकी है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। SDM प्रतुल सिन्हा, तहसीलदार बजरंग बहादुर, नायब तहसीलदार वीरेंद्र वर्मा, SDOP संजय चतुर्वेदी, गौतमपुरा थाना प्रभारी कमल चौहान सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। पूरे गांव के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर जाकर स्क्रीनिंग की जा रही है। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति किन किन लोगों के संपर्क में आए हैं, प्रशासन इसकी जाँच कर रहा है। काठकोदा में लोगों की सैंपलिंग ली जा रही है। देपालपुर से विशाल चांदना की रिपोर्ट। आज प्रातः ये जानकारी मिली कि ग्राम कटकोदा से 5 कोरोना पॉजिटिव और ग्राम अटाहेड़ा से 1 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाए गए। तो उसमें से यहाँ कटकोदा में जो 4 लोग पहले से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में मेढकवास में रखे गए हैं, 1 व्यक्ति जो होम क्वारंटाइन में था पॉजिटिव पाया गया है, पवन उसका नाम है। तो पवन को अभी चोईथराम हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया है। और उसके साथ जो 4 अन्य जो कटकोदा के व्यक्ति हैं जो क्वारंटाइन में मेढकवास में रखे गए हैं, वो लोग भी जाएंगे। और पवन के परिवार में कुल और 5 सदस्य हैं पवन के अतिरिक्त। तो उसमें से 3 सदस्य उसके होम क्वारंटाइन में रखे गए हैं और 2 सदस्य हैं जितेंद्र और उसकी पत्नी रीना भाई, उनको इनका जो डेयरी है उस हाउस में रखा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।